अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र कोतमा के कांग्रेसी विधायक सुनील सर्राफ के क्रशर के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की है। क्रशर में पर्यावरण के नियमों को पालन न करना एवं माइनिंग के मानकों को पूरा न करने पर कलेक्टर द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के लिए आई टीम में पर्यावरण विभाग, खनिज विभाग, पुलिस विभाग एवं प्रशासनिक अमले में SDM मौजूद थे। अनूपपुर SDM ने बताया है कि कोतमा विधायक सुनील सर्राफ के क्रशर का संचालन पर्यावरण एवं खनिज विभाग के मानकों से हटकर किया जा रहा था, जिसे लेकर आज क्रशर को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। बताया जाता है कि कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्कूल और सामुदायिक केंद्र के आसपास क्रशर संचालन एवं पर्यावरण प्रदूषण करने वाले कार्यों को बंद करने की शिकायत की गई थी, जिस पर आज कलेक्टर द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। कुछ दिन पूर्व लोकार्पण के कार्यक्रम में विधायक सुनील सर्राफ द्वारा भाजपा का विरोध किया गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही यह कार्रवाई की गई है।